हमेशा की तरह आज एक बार फिर से बात करने वाले हैं टॉप 10 मिथ्स के बारे में। और हाँ, अभी तक अपने आईएनडी अमोल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और चलो फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। शॉप में से आप जब कुछ परचेस करते हो और उस समय कोई दोस्त आपको पंच मारे तो आप कोई भी सामान खरीद नहीं पाओगे। तो चलो ट्राई करते हैं। सामने की तरफ एक मार्केट है और इसके पास चलते हैं। शॉपिंग पे क्लिक करा और यहाँ पर मेरे दोस्त ने जैसे ही पंच मारा भाई अपने आप बैक हो जा रहा है। मैं शॉपिंग पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मेरा दोस्त पंच मार रहा है मेरे को और यहाँ पे ये बैक हो जा रहा है, मैं कुछ भी सामान खरीद नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये है कि आप सामान जब कुछ खरीदने जाओगे और कोई दोस्त या फिर आपका कोई टीममेट आपको पंच कर दे तो भाई आप बैक आ जाओगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ खरीदते रहते हैं और हमारा कोई टीममेट अपने को पंच मार देता है तो हम लोग सामान नहीं खरीद पाते। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। मिथ, स्मोक के अंदर स्टन ग्रेनेड काम नहीं करता है। तो चलो चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक स्टन ग्रेनेड अपने ऊपर ही फोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये देख लो, स्टन ग्रेनेड हुआ और मैं कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस मेरे बटन्स वगैरह दिख रहे हैं। तो अब क्या करना है कि एक स्मोक को फेंकना है, ठीक है। स्मोक को अभी होने देते हैं पूरी तरीके से और उसके अंदर स्टन ग्रेनेड फेंक के देखेंगे कि काम करता है या फिर नहीं, ठीक है। तो अब ठीक है, स्मोक पूरी तरह से हो गया है, स्टन ग्रेनेड फेंक देते हैं और तुरंत से अंदर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा कैरेक्टर पूरी तरीके से दिख रहा है स्टन होने के बाद भी। तो यार जब भी हमारे ऊपर स्टन होता है तो अपना कैरेक्टर अपने को नहीं दिखता है, लेकिन स्मोक के अंदर कोई स्टन फेंकता है तो अपना कैरेक्टर अपने को दिखने लगता है। मतलब कि स्टन ग्रेनेड काम नहीं करता स्मोक के अंदर। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली भी हो जाती है कन्फर्म। चलती बाइक की स्किन चेंज करो, गाड़ी कितनी भी स्पीड में हो स्किन चेंज होते ही गाड़ी को ब्रेक लग जाएगा। क्या बात कर रहे हो। इस वाली गाड़ी का स्किन मेरे दोस्त ने मेरे को लगा के दिया है और मैं गाड़ी पे बैठ चुका हूँ, गाड़ी को चला रहा हूँ। तो भाई गाड़ी को काफी स्पीड में लेके जाते हैं और फिर गाड़ी का स्किन चेंज करके देखते हैं। और ये देखो, ओ भाई देखा, जैसे ही भाई गाड़ी का स्किन मैंने चेंज करा तुरंत से भाई मेरी गाड़ी को ब्रेक लग गया। तो यार ये कौन कौन सी गाड़ी के साथ होता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर बाइक के साथ हो रहा है। और जैसे ही हम लोग चलती गाड़ी पे बाइक का स्किन चेंज करते हैं गाड़ी को ब्रेक लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। कोई एनिमी जब अपने टीममेट को रिकॉल करता है और फिर जो प्लेन आता है वो बस एनिमी को दिखता है। तो चल के देखते हैं कि भाई क्या सीन है। सबसे पहले तो यार ये चीज मैं ट्राई करता हूँ और अपने टीममेट को रिकॉल कर लेता हूँ और देखता हूँ कि यार प्लेन मेरे को दिखता है कि नहीं, ठीक है। फाइनली यहाँ पर मेरा टीममेट अब रिकॉल हो चुका है और प्लेन कहाँ पे भाई, हाँ ठीक है ये रहा प्लेन और प्लेन से मेरा टीममेट ड्रॉप हो चुका है। तो अब यहाँ पर जब मैंने अपने टीममेट को रिकॉल करा तो भाई प्लेन भी दिखा और मेरा दोस्त नीचे की तरफ लैंड हो रहा है वो भी दिखा। देख लो यहाँ पर धीरे धीरे मेरा टीममेट लैंड हो चुका है, ठीक है। अब अपने को एनिमी का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमी को मैं बोल देता हूँ सामने की तरफ, भाई रिकॉल कर अपने टीममेट को। तो वो एनिमी अपने टीममेट को रिकॉल कर रहा है, आप लोग देख सकते हो उसका हाथ वाथ मूव हो रहा है, मतलब रिकॉल कर दिया। तो अब उसका भी प्लेन देख लेते हैं भाई कि प्लेन कहाँ पे है। तो एनिमी बोल रहा है कि मेरे को प्लेन दिख रहा है बट यार मेरे को नहीं दिख रहा है उसका प्लेन, ठीक है। तो देखते ही रहते हैं, शायद बंदा लैंड होगा तो वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को कोई भी एनिमी का प्लेन नहीं दिखा, लेकिन भाई उसका बंदा रिकॉल होके नीचे लैंड हो गया वो दिख गया अपने को। तो यार जब भी कोई एनिमी अपने टीममेट को रिकॉल करता है तो वो प्लेन बस वो एनिमी देख पाता है, अपन नहीं देख पाते। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली भी तो जाती है कन्फर्म। आप प्रोन होकर रिकॉल कर सकते हो, तो चलो देखते हैं। अपने सामने की तरफ एक रिकॉल टावर है और आप लोगों को पता है रिकॉल टावर पे कितने एनिमी कैंप करते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रोन हो जाना है और उसके बाद अपने टीममेट को रिकॉल करना है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोन होकर अपने टीममेट को रिकॉल कर पा रहे, तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कौन से ऐप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, तो मैं यूज करता हूँ ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि 60 fps नो लैग और काफी बढ़िया गेम साउंड के साथ रिकॉर्ड करता है। इतना ही नहीं, ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में बहुत सारे एडवांस प्रो फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर लो मीडियम हाई के साथ आपको एक कस्टम का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप अपनी क्वालिटी को कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑडियो सेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप अपने वॉल्यूम को कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हो। तो ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाओ और डाउनलोड करो। ओके, मिल्टा के बगल वाली फैक्ट्री में जाली के अंदर से कुछ पाइप गई है, अगर आप जाली में चले जाओ तो आपको कोई डैमेज नहीं दे पाएगा। तो चलो चल के देखते हैं। ये वाली फैक्ट्री आप लोग को मिल्टा पावर के बगल में देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आ जाना है और इस फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पे चले जाना है फटाफट से। यहाँ पर मैंने हल्का सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और फटाक से हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से आपको एक जंप लगाना है और इस जाली के ऊपर आ जाना है, ठीक है। और जो इसके अंदर से पाइप गई है बस यहाँ से आपको जंप करके इसके पाइप पे आ जाना है और फिर इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। एक बार अंदर चल चलते हैं और सामने की तरफ एक एनिमी है और ये वीडियो कस्टम रूम में बन रहा है तो डैमेज दे रहा है यहाँ पर एनिमी, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मेरे को गोलियां मार रहा है लेकिन यहाँ पर मेरे को रद्दी भर भी डैमेज नहीं बैठ रहा है, मतलब भाई डैमेज बैठता ही नहीं है।
तो यहाँ पर हमने नेट वेट डाल के नहीं ट्राई किया, बस बंदूक की गोलियों से ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डैमेज बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस जाली के अंदर आ जाते हैं तो हमें एनिमी डैमेज नहीं दे पाता, तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली भी तो जाती है कन्फर्म। चियर पार्क के क्रस आइलैंड में जो हॉट एयर बलून है उसके ऊपर जाओ, अब जंप करो, आप आइलैंड के बाहर नहीं आ सकते। तो चलो चल के देखते हैं चियर पार्क में जो क्रस आइलैंड है उसके ऊपर ये आप लोग को हॉट एयर बलून देखने को मिल जाएगा। बस इसको आपको कंट्रोल करके ऊपर लेके जाना है और काफी ऊपर तक जाता है ये, यहाँ से आप पूरा व्यू भी ले सकते हो चियर पार्क का वैसे तो। लेकिन अपने को बोला है कि आप जब जंप करोगे इस हॉट एयर बलून से तो ये आइलैंड से आप बाहर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो हॉट एयर बलून ऊपर आ चुका है, तो किस साइड जंप मारा जाए, ठीक है सामने की तरफ जंप मारते हैं। यहाँ पे मैंने जंप लगा दिया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ क्रस आइलैंड से दूर जाने की, लेकिन यार मैं क्रस आइलैंड पे ही बार बार लैंड हो जा रहा हूँ। मतलब मैं दो तीन बार ये ट्राई करा था, तो जब भी हम लोग हॉट एयर बलून ऊपर लेके जाते हैं और फिर जंप लगाते हैं तो हम लोग क्रस आइलैंड पे लैंड होते हैं, ना कि इधर उधर कहीं, मतलब दूर नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दूर नहीं जा पा रहे, तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली भी तो जाती है कन्फर्म। अगर आप कपड़े बदल रहे हो और आपका दोस्त आपको पंच कर दे तो आप कपड़े नहीं बदल पाओगे। अब यहाँ पर भाई सबसे पहले कपड़े बदल के देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने यूज पर दबा दिया है और यहाँ पे जैसे ही मेरा टीममेट मेरे को पंच कर रहा है तो भाई ये अपने आप कैंसिल हो जा रहा है कपड़ा बदलना। तो भाई आप लोग देख सकते हो जब आप कपड़े बदलते रहो और उसमें से आपका कोई टीममेट आपको पंच कर दे तो भाई आप कपड़े नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर हम लोग कपड़े नहीं बदल पा रहे, तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली भी तो जाती है कन्फर्म। ये अपने को वीकेंडी मैप में करना होगा, पोर्ट लोकेशन पर एक साइड गिरा हुआ बोट है उसके अंदर लूट मिलेगी, तो चलो चल के देख लेते हैं। इस समय हम लोग हैं वीकेंडी मैप में और ये जो पोर्ट वाली लोकेशन है बिल्कुल टॉप पे है, तो यहाँ पर एक साइड गिरा हुआ मेरे को बोट दिखा है। बस आपको इस रेलिंग के पास आना है और यहाँ से एक जंप लगाना है, ये लैच ग्रैब कर जाएगा और यहाँ पे भी चढ़ जाना है और सामने की तरफ देखते हुए जंप करना है और एक और जंप करना है और आप लोग यहाँ पे चढ़ जाओगे, ठीक है। और आगे आगे आना है और ये बोट की पूरी छानबान कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर लूट वूट मिलती है या फिर नहीं। तो मैं हर साइड जाके देख लेता हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ भी लूट नहीं मिलता है, बस यहाँ पर एक लोकेशन है जहाँ पे आप छिप सकते हो वो ये वाली है, ठीक है। तो इस बोट के अंदर दो तीन रास्ते आप लोग आ सकते हो ये लोकेशन पे, तो ये जो सबसे सिंपल रास्ता था मैंने आप लोग को बता दिया है। तो यार अपने को इस गिरे वाले बोट के अंदर कोई भी लूट देखने को नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर ये वाली भी तो जाती है फर्स्ट एड। बग्गी का इंजन हमेशा चालू रहता है, तो चलो चल के देखते हैं। अपने सामने की तरफ एक डासिया है और देख लेते हैं कि इसका इंजन चालू है या फिर नहीं। कोई आवाज नहीं आ रही है, इंजन बंद है इसका। और सामने की तरफ यूएसएड है और इसका भी देख लेते हैं कि इंजन चालू है कि नहीं, तो इसका भी बंद है। अब यहां पर अपने सामने की तरफ बग्गी है और बग्गी का देख लेते हैं। तो यार आप लोग ध्यान से सुन सकते हो, बग्गी का इंजन चालू है, बग्गी में कोई बैठा भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई यहां पर मेरे को एक और बग्गी देखने को मिलती है और मैं जब उसके पास जाता हूं तो यार मेरे को कोई भी आवाज सुनना ही नहीं देता है। देख सकते हो ये वाली बग्गी का इंजन बंद है लेकिन वो वाली बग्गी का इंजन चालू था। तो क्या पता यार क्या सीन है, और आप लोग को क्या लगता है बग्गी का इंजन हमेशा चालू रहता है या फिर हमेशा बंद? तो ये मिथ कंफर्म है या फिर बस्टेड कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर का ऐप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, उसे डाउनलोड करना मत भूलना। और मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।